हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गीतांजलि लोहिया, योर मैथ्स टीचर. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 147, कवर विद द स्टेम. दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन यू फॉर द होमवर्क. सो व्हाट यू हैव टू इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ रेक्टेंगल, बिग रेक्टेंगल. एज यू आर सीइंग, दिस इज अ बिग रेक्टेंगल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेजर इट. आपको क्या करना है, इसे मेजर करना है. जिन्होंने होमवर्क कर रखा है, इट्स गुड. दोज हु हैव नॉट डन, प्लीज कंसंट्रेट इट एंड वॉच इट केयरफुली. आपको इसे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द स्केल यू हैव टू मेजर इट. सो वेन यू विल मेजर इट, यू विल फाइंड दैट द बिग द रेट लेंथ ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द दिस बिग रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी ये बता रहे हैं कि जो छोटा सा स्टैम्प है, इसका जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है. हमें इस स्टैम्प का एरिया बता रखा है. आपको गेस करना है कि इस पूरे बिग रेक्टेंगल में कितने इस तरीके के स्क्वायर बॉक्सेस आ सकते हैं. ओके, सो हेयर आई हैव ड्रॉन लाइन्स विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. सो आप देख सकते हैं जो ये लेंथ है, लेंथ में कितने स्टैम्प आ सकते हैं इस लेंथ के, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यानी कि 6 आ सकते हैं. एंड इन द अकॉर्डिंग टू द विड्थ, यानी विड्थ में कितने आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 आ सकते हैं. ओके, नाउ बैक साइड ऑफ द दिस पेज, हेयर आर सम क्वेश्चन, चेक योर गेसेस. तो हेयर वी हैव टू आंसर इट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर द येल्लो रेक्टेंगल. जो बिग रेक्टेंगल है उसे येल्लो रेक्टेंगल कह रहे हैं, तो उसको हमें मेजर करना है, उस कितना लॉन्ग है वो. तो ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है. मैंने अभी आपको स्केल से मेजर करके दिखाया. यू कैन मेजर ऑल्सो बाय योर सेल्फ इन योर बुक. ओके, हाउ मेनी स्टेम कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ. लेंथ में कितने स्टेम को प्लेस कर सकते हैं. ओके, एक तो ऑलरेडी है वहां पे, एक मिनट. ओके, सो लेंथ में, दिस इज द लेंथ, तो कितने हम प्लेस कर सकते हैं. वन इज ऑलरेडी हेयर. अगर हम इसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम कितने स्टैम्प ले सकते हैं, 7 स्टैम्प लेंथ में रख सकते हैं. हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल. तो अगर वो रेक्टेंगल वाइड, वाइड मीन्स उस कितना चौड़ा है, विड्थ इसकी पूछी जा रही है. तो कितनी विड्थ है इसकी, 8 सेंटीमीटर. जो हमने मेजर किया था, इस तरीके से 14 था एंड इस तरीके से कितना था, 8 सेंटीमीटर था. तो ये जो हम डाटा हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये वो बिग रेक्टेंगल का जो हमने पीछे अभी देखा था उस पे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं. नाउ डी, हाउ मेनी स्टेम कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ. अभी हमने देखा यहाँ पे पूछा गया था कि लेंथ में कितने स्टैम्प आ सकते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है कि विड्थ में कितने स्टैम्प आ सकते हैं. सो लेट्स चेक वंस अगेन, लेट्स काउंट, 1, 2, 3, 4, यानी विड्थ जो है, ये जो चौड़ाई है इस रेक्टेंगल की, बिग रेक्टेंगल की, इसमें कितने स्टैम्प आ सकते हैं, कितने, 4 रेक्टेंगल आ सकते हैं. ओके, सो वी विल राइट हेयर 4. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल. टोटल कितने स्टैम्प की जरूरत होगी कि वो पूरा रेक्टेंगल क्या हो जाए, कवर हो जाए. तो नाउ वन मेथड इज दिस, दैट यू काउंट ऑल द बॉक्सेज और ऑल द स्टैम्प. तो या तो आप सारे स्टैम्प्स को काउंट करो, एक मेथड ये है. एंड द सेकेंड मेथड, विच वन इज जो बेटर ऑप्शन है, वो आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ में कितने स्टैम्प हैं, 7. ओके, विड्थ में कितने स्टैम्प हैं, 4. तो 4 × 7 आप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प जो इस बिग बॉक्स को कवर करने में लगे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो 7 × 4 = 7, 4 × 7 = 28. इट मींस इस बॉक्स में कितने स्टैम्प आ सकते हैं, कितने स्टैम्प हैं, दैट इज 28. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने यहाँ पे से बाय प्रैक्टिकल हमने ये देखा कि इस तरीके से हम एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. ओके, सो हाउ क्लोज योर वॉज योर अर्लियर गैसेस. तो आपने जो गैसेस किए थे पहले, वो कितने आप क्लोज है, तो हम लिखेंगे इट वॉज प्रिटी
क्लोज, हम प्रिटी क्लोज थे उसके. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो जो एरिया है, अभी हमने ये देखा कि कितने स्टैम्प्स उस एरिया को कवर करेंगे, 28. एंड अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, तो दैट इज ऑल्सो 28 square centimeter. तो स्क्वायर सेंटीमीटर रिटर्न में आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, सेंटीमीटर के ऊपर से स्क्वायर सेम, दोनों चीजें सेम है, वेदर यू कैन यूज दिस वन और दिस वन इधर. ओके, वट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अभी हम बेटा एरिया, एरिया एंड पैरामीटर, वट इज द डिफरेंस. इन द प्रीवियस चैप्टर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट टूडे आई अगेन एक्सप्लेन यू. सो एरिया क्या होता है, दिस, लेट्स सी वंस अगेन दिस फिगर. एरिया इज दिस, ऑल दिस, कि इसके अंदर कितना कवर हो रहा है, कितना स्पेस, ये स्टैम्प, कितने ऐसे स्टैम्प हैं जो इस पूरे रेक्टेंगल को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, वो है एरिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरामीटर, पैरामीटर इज ओनली द आउटर डिस्टेंस, यानी कि इसका जो आउटर, ये जो आउटर डिस्टेंस है कितना है, वो जो है वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर. यानी कि यहां से यहां तक 14, देन यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, देन यहां से यहां तक ओके 14, एंड देन दिस वन इज 6 और 8 वट एवर. लेट्स चेक वंस अगेन, आई फॉरगेट इट. सो इट इज 8, यस. तो 14 प्लस हाउ मच, 14 प्लस 7, दिस इज 14, सॉरी दिस इज 8, देन 8 प्लस अगेन 14, देन प्लस 8. तो बाय डूइंग दिस वी गेट द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, एंड दैट इज 34 सेंटीमीटर. तो 34 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर हो जाएगा. हम यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into L + B. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो टू, दिस इज द फॉर्मूला, 2 into L + B, ब्रैकेट में क्या है, L + B. L लेंथ क्या है आपकी इसकी, 14. ओके, ब्रेथ कितनी है, 8. ओके, सो हाउ मच, 14 और 8, 8 एंड 4 कितना होता है, 12 की 2 और यहां कैरी 22. ओके, सो 22 एंड 22 इंटू 2 इज 44. सो कितना आंसर आ गया, 44 सेंटीमीटर. सॉरी, ये 44 सेंटीमीटर है. सो इट मींस जो ये हमारा रेक्टेंगल है, बिग रेक्टेंगल, इसका अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा. क्लियर स्टूडेंट? सो हेयर वी हैव अगेन फाइंड आउट द पैरामीटर. यही पैरामीटर मैंने आपको प्रीवियस पेज में एक्सप्लेन किया है. सो ये आप पैरामीटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेम वे से, बाय यूजिंग द फॉर्मूला. सो यू विल गेट द आंसर, दैट आंसर इज 44 सेंटीमीटर. ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम. दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड पैरामीटर. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स. अरबाज ने अपने किचन फ्लोर, जो किचन का फ्लोर है, उसमें टाइल्स लगाने हैं, ग्रीन कलर के टाइल्स लगाने हैं. ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर. यानी कि जो टाइल है, यानी जो टाइल है स्क्वायर, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा किचन का फ्लोर है जिसके ऊपर अरबाज बैठा हुआ है. ये टाइल्स है, एक टाइल जो है उसकी साइड कितनी है, 10. ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि स्क्वायर जो होता है, ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो यानी कि ये जो चारों साइड होंगी वो 10 सेंटीमीटर की होंगी. हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ. अब जो इसका किचन है, ये जो किचन की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, तो किचन की जो लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है, ये दिस इज द ब्रेथ, ये 180 सेंटीमीटर है. अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड्स. उसको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी अपने किचन के फ्लोर को कवर करने के लिए. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी. ओके, सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, गिवन लेंथ ऑफ किचन. आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन यहां से रीड करेंगे केयरफुली अगेन बाय योरसेल्फ आल्सो, नाउ यू विल आंसर. गिवन लेंथ ऑफ किचन, किचन की जो लेंथ है जिसमें हमें फ्लोर टाइल्स लगाने हैं वो है 220 सेंटीमीटर. विड्थ ऑफ किचन, किचन की जो विड्थ है वो 180 सेंटीमीटर है. ओके,
ईच साइड ऑफ द टाइल. अब हमने यहाँ पे किचन के फ्लोर के बारे में बात करी कि फ्लोर की जो लेंथ है और फ्लोर की जो विड्थ है. ठीक है, लेंथ एल एंड बी, दिस इज एल एंड दिस इज बी. ओके, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर टाइल के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो साइड है टाइल की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर. ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ फ्लोर, अब वो जो फ्लोर है किचन का फ्लोर, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हम लिख सकते हैं ब्रेथ की जगह विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, दोनों क्या है, सेम थिंग है. क्लियर? तो जो एरिया है किचन के फ्लोर का वो हम निकालेंगे लेंथ इनटू विड्थ. ओके, तो हमने निकाल लिया 220 into 180, तो आंसर आ गया आपका 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर आप लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें हम क्या स्क्वायर हमें यूज करना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वट एवर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अभी हमने किचन का फ्लोर तो निकाल लिया, किचन के फ्लोर का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया. सेम हम क्या करेंगे, वो जो स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल की जो साइड हमें दी थी, हम क्या करेंगे उस स्क्वायर का, उस स्क्वायर टाइल का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल आप लिख सकते हो यहाँ पर, स्क्वायर टाइल और सिंपल टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल यानी टाइल का एरिया. तो टाइल यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, क्योंकि अब जो टाइल है वो भी स्क्वायर शेप में है, इसलिए सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा साइड इनटू साइड, हम उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. तो साइड कितनी थी स्क्वायर की, 10, तो साइड तो सेम ही रहनी है, तो 10 into 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां तक समझ में आया कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ फ्लोर निकाला लेंथ इनटू ब्रेथ करके, फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाली साइड इनटू साइड करके. हमारे पास दोनों का एरिया है, फ्लोर का एरिया भी है, और जो टाइल हमें उसमें फिल करनी है उस टाइल का भी, एक टाइल का हम एरिया यहाँ पे से फाइंड आउट कर लिया हमने. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस फ्लोर में कितनी टाइल्स आ सकती हैं. सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ आर टाइल. आर टाइल मतलब वन टाइल के एरिया से, तभी तो हमने यहाँ पे एक टाइल का एरिया निकाला है. सो एरिया ऑफ फ्लोर कितना था, 39,600 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना आया, 100. तो डिवाइड कर दिया, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 1 से इतने जब डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 396. सो 396 टाइल विल बी नीडेड टू कवर द अरबाज किचन फ्लोर. क्लियर? सो स्टूडेंट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेंसिंग. फेंसिंग मतलब होता है जो हमारी बाउंड्री होती है, जैसे छत में हम जाते हैं तो हमारे छत में ग्रिल्स लगे होते हैं ना चारों तरफ से कि हम गिरे नहीं, तो उन्हें फेंसिंग कहते हैं. जो चार हम जैसे क्या कहते हैं, कवर अप करते हैं, जैसे हमारा कोई ग्राउंड है, हमारा कोई प्ले ग्राउंड है, तो उसके चारों तरफ से बाड़ बना देना, उसे फेंसिंग कहते हैं. ठीक है, तो फेंसिंग का मतलब है कि चारों तरफ से होना, यानी कि यहाँ पे क्या इंडिकेशन हुई है, पैरामीटर की बात की गई है, क्योंकि चारों तरफ से फेंसिंग का, चारों तरफ से होना इट मीन्स उस चीज का या उस फिगर का या उस लैंड का हमें क्या करना है, पैरामीटर की बात की जा रही है. द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, यानी कि स्क्वायर शेप का एक गार्डन है, उसकी जो फेंसिंग है इज 20 मीटर इन लेंथ, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है. हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, तो गार्डन, तो गार्डन की साइड कितनी होगी, अगर उसकी जो पूरी लेंथ है यानी पूरा पैरामीटर है, यानी अगर ये एक स्क्वायर गार्डन है, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ऐसे 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 करके पूरा जब मैं इसे कवर कर दूं, यानी पूरी फेंसिंग ले लूं, फेंसिंग की लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बोलूं इसकी लैंग्वेज, तो फेंसिंग की लेंथ, अदरवाइज हम इसे बोल सकते हैं पैरामीटर, यानी पैरामीटर इस स्क्वायर गार्डन का जो पैरामीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी साइड कितनी होगी, ये साइड्स कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो कैसे लिखेंगे, गिवन, गिवन मतलब जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, पैरामीटर ऑफ अ गार्डन, गार्डन का पैरामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, उसने बोला ना फेंसिंग ऑफ द लेंथ
इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन लेंथ. सो ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 20 मीटर. क्लियर? नाउ हमें क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ. तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इज इक्वल्स टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4. लेंथ इज इक्वल्स टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4. ये इसका फॉर्मूला है लेंथ निकालने का जब आपके पास पैरामीटर गिवन हो. तो पैरामीटर कितना है? 20. तो पैरामीटर की जगह पे हम पैरामीटर की वैल्यू लिख देंगे. कितना है पैरामीटर? 20. तो 20 लिख दिया. नीचे कितना है? 4. सो इट्स 4. इट्स 4. ओके, बाय मिस्टेक आई राइट 5. आई रोट 5. 4. सो 4 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5. 4 5 जा 20. इट मीन्स कि जो वो स्क्वायर गार्डन है उसकी साइड कितनी होगी? 5 मीटर की होगी. 5 मीटर ईच. 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट रिपीट द वीडियो एंड वॉच इट केयरफुली. इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू.